नमस्कार, मैं भारती शर्मा, पंचायती टाइम्स की खास पेशकश ट्यूजडे स्पेशल पांच बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दिमागी बुखार के चलते लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चमकी बुखार के चलते अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। बढ़ती गर्मी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते लगातार बच्चों की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि अस्पताल में जरूरी दवाइयां मौजूद नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में अब तक 89 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि केजरीवाल मैत्री सदन अस्पताल में 19 मौतें हुई हैं। डॉक्टर की माने तो AES के लिए लीची में मौजूद विषैले तत्व जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि इन अस्पतालों में अभी 330 बच्चों का इलाज चल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से अभी तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिवार का हालचाल पूछा। इस दौरान लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और नीतीश हाय हाय के नारे लगाए। लोगों का आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर इस गंभीर बीमारी के फैलने के बावजूद अभी तक सही से इलाज नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा कि नीतीश को वापस चले जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि बच्चों का इलाज सही से नहीं हो रहा है और हर रोज किसी न किसी बच्चे की जान जा रही है। नीतीश ने चमकी बुखार को लेकर डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के बावजूद निकम्मी और नाकाम बिहार की नीतीश सरकार को 2 हफ्तों से ज्यादा बीत जाने के बाद आज मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला। सवालों के घेरे में घिरी नीतीश सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार की मदद से लगातार हो रही बच्चों की मौतों पर कुछ लगाम लगा सके, लेकिन लगता है कि बिहार सरकार को बच्चों की जान से ज्यादा अपने अहम की चिंता है। दुखद सत्य है कि साल 2000 से 2010 के दौरान इस बीमारी की चपेट में आकर 1000 से ज्यादा बच्चों की जानें गई थी। बावजूद इसके अभी तक इस बीमारी की साफ वजह का पता नहीं चल पाया है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। बोर्ड की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जगत प्रकाश नड्डा की नियुक्ति की गई है। संसदीय बोर्ड बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह शामिल हुए। जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही राजनीति में अपना कदम रखा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1970 में नड्डा पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में सचिव चुने गए। हिमाचल के रहने वाले जेपी नड्डा ने प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 1994 से 1998 तक काम किया। इतना ही नहीं, साल 2008 से 2010 तक हिमाचल सरकार में मंत्री रहे। फिर 2012 में नड्डा को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का सांसद भी चुना गया। इसके बाद उन्हें 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। जेपी नड्डा को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ममता से मुलाकात के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि हमें काम करते वक्त डर लगता है। इस पर ममता ने कहा कि हर अस्पताल में पुलिस अफसर तैनात किए जाएंगे। बता दें कि 10 जून को कोलकाता के NRS हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद घटना के विरोध में 11 जून से राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। वहीं ममता से डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि NRS हॉस्पिटल में साथियों के साथ मारपीट करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी भी डॉक्टर के खिलाफ बंगाल सरकार ने केस दर्ज नहीं कराया है। अब हर सरकारी अस्पताल में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। बांग्लादेश ने सोमवार को ICC विश्व कप 2019 के एक कांटे के मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए विंडीज ने बांग्लादेश को 332 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे उसने 41.3 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने नाबाद 124 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 99 गेंदों पर 9 चौके मारे।
वहीं दूसरे छोर पर लिटन दास ने 69 गेंदों पर 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 94 रनों की पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज ने शाई होप एवेन लुइस व शिमरान हेटमायर के अर्धशतकों के दम पर 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाए, जबकि होप ने 121 गेंदों पर 96 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। लुइस ने 67 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रनों की पारी खेली। हेटमायर ने 26 गेंदों का सामना कर 4 चौके और 3 छक्के जड़ 50 रन बनाए थे, फिर भी जीत उनसे कोसों दूर रही। अब 2 बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर जाने की राह पर खड़ी है। पंचायती टाइम्स की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।